उसके बाद इतने जालिमाना तरीके से उनकी गोद से उन्हीं की औलाद को छीन लिया और मेड के हवाले कर दिया। ऐसे भी भला कोई करता है दादो? औलाद की परवरिश मेड नहीं करती, एक मां सबसे अच्छी परवरिश कर सकती है अपनी औलाद की, लेकिन यह बात इस घर में किसी को समझ ही नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूं दादो, अगर ये हालात ना बदले तो बहुत जल्द बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी हम सबको, क्योंकि भाभी की आह लगेगी हमें और उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं भाभी की मदद नहीं कर पा रहा। मेरी इस घर में ना पहले कभी किसी ने सुनी और ना ही आगे कोई सुनेगा। लेकिन दादो आप तो जावियार भाई को समझा सकती हैं, उनसे कह सकती हैं कि वो गलत कर रहे हैं भाभी के साथ। हाँ, लेकिन आप भी क्यों समझाएंगे? सबकी तरह आपको भी ये लगता है कि जावियार भाई जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, वो गलत हो ही नहीं सकते। अब तो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद बांधनी पड़ेगी, उसके अलावा भाभी की मदद कोई नहीं कर सकता। जावियार, खाओ। भूखे नहीं है दादू। ने नाश्ता नहीं किया, लंच नहीं किया, ऑफिस नहीं गए, इसीलिए तो लाई हूं तुमको यहाँ पर, ताकि तुम खा लो कुछ थोड़ा। चलो खाओ जी। पता है बेटा, आज तुम्हारा बेटा एक हफ्ते का हो गया। और अभी तक उसका नाम नहीं रखा था। इतनी टेंशन में ख्याल ही नहीं रहा इस बात का। वाकई इतनी टेंशन में तो मुझे भी ख्याल नहीं है इस बात का, लेकिन तुम तो बाप हो बेटा, तुम्हें तो सोचना चाहिए। जी सही कह रही है, सोचने का टाइम ही नहीं मिला। आपने सोचा कोई? नहीं, लेकिन जुनेद ने सजेस्ट किया है, हैदर। मुझे भी अच्छा लगा ये बात। जुनेद ने सजेस्ट किया? तो अगर तुम्हें कोई और नाम पसंद है तो वो रख देते। नहीं, हैदर अच्छा नाम। तो ठीक है, फिर कल ही जाकर मिठाई का ऑर्डर दे आओ, पूरे खानदान में मिठाई बंटवाएंगे, पहला पहला पोता है हमारा। नहीं दादू प्लीज, अभी ऐसा कुछ मत कीजिए, ये मामला थोड़ा सेटल हो जाए फिर देखते। सावियार, पुरानी बातों को भुला कर बेटा जिंदगी का नया सफर शुरू। अल्लाह ताला जब औलाद देता है तो माँ बाप का रुतबा बुलंद कर देता है, जिम्मेदारियां बढ़ा देता है। फिर उस वक्त कोई जज्बाती फैसला नहीं करता इंसान, बल्कि हर कदम पर अपनी औलाद के हुकूक
और उसकी परवरिश की फराइज को याद रखना। नायाब अब सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे बेटे की माँ भी। और माँ के बगैर बच्चे की परवरिश नामुमकिन है। सोच समझ कर फैसला कर। अच्छा ठीक है, अगर आपको उस लड़की से इतनी ही हमदर्दी है तो मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। रह लें यहां इसी घर में किसी गेस्ट रूम में। मेरी खामोशी का है इतना सिरा के आगे भीगती। नहीं साबिया, आप मेरे साथ जैसा मर्जी सलूक करें, मैं अब तक नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को आप मुझसे जुदा नहीं कर सकती। जी मीना भी बच्चा है, वैसे खुद पूरी हिफाजत से पालना चाहती हूँ, किसी मुलाजमा के हवाले कैसे कर सकती हूँ मैं अपने बच्चे को। आप मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीन सकते। इस वक्त उसे किसी आया या किसी नैनी की नहीं, मेरी जरूरत है, और मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। नहीं रख सकती ना। देखो यही डिसीजन हम सबके लिए बेहतर। काश ये मेरी मजबूरी ना होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है। कैसी मजबूरी? Because you're not fit enough to look after him. जितनी तुम लापरवाह हो, तुम्हारे साथ बच्चे को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? हैदर बहुत छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। इस वक्त वो मेरे और मैं उसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। इसी बात की तो परेशानी है कि वो इतना छोटा है। जितनी तुम लापरवाह हो, अगर कुछ उल्टा सीधा खिला दिया या मेडिसिन की गलत डोसेज दे दी तो नुकसान तो मेरा होगा ना। कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे मेरा बच्चा है वो, मैं उससे कोई गलत दवाइयां क्यों खिलाऊंगी? और फिर मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ, उसको अपने कलेजे से लगा के रखूंगी। पूरी पूरी रात भी जागना पड़ा उसकी खिदमत करने के लिए तो करूंगी। प्यार और मोहब्बत के साथ साथ माँ का हाजिर दिमाग होना भी जरूरी है, जो कि तुम नहीं हो ना अब, और ये बात हम आजमा चुके हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप क्यों मेरे जज्बात नहीं समझ रहे? मैं उसकी माँ हूँ, क्यों मुझ पे इतना जुल्म कर रहे हैं? नायाब मैं ये डिसीजन ले चुका हूँ, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। हैदर का ख्याल मेड ही रखेगी। गलत कर रहे हैं आप जाविया, अब ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। हैदर को कैसे दे सकते?